का तो ये इंडिकेशन देख रहे हैं, है ना। और मारुति का देखिएगा, मारुति का ये इंडिकेशन, ये इंडिकेशन जो है, हाँ मारुति का अपना लोगो है, मारुति का लोगो, मारुति ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी हो मारुति का ये लोगो है। और ये सुजुकी का लोगो है, मारुति सुजुकी अलंकार है कंपनी जिस एजेंसी से ये लिए होंगे वहाँ की ये डीलर होगी। देखिए स्विफ्ट है और ये वीडीआई है, वीडीआई इसका वेरियंट होता है। स्विफ्ट गाड़ी है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों तरह की वेरियंट में उपलब्ध है। तो यहाँ पे अगर पेट्रोल इंजन होती तो VXI होता, लेकिन ये डीजल इंजन है इसलिए VDI है। तो D और I यहाँ पे निकल गया लगता है। तो VDI का मतलब समझते हैं, VDI वेरिएंट डीजल। इससे अगर आप देखिए, हम बता रहे हैं कि L, V और Z तीन जो होता है इसका क्वालिटी हो गया, ठीक है, या कि वर्जन बोल दीजिए, L फॉर लो, V फॉर मीडियम और Z फॉर टॉप। तो DI जो है डीजल का कोड है और XI पेट्रोल का कोड है। कोई गाड़ी उठा के देख लीजिए, अगर DI कहीं पे लिखा हुआ होगा तो इसको छांट दीजिए, दो दो भाग में बांट दीजिए, V को अलग कर दीजिए और DI को अलग कर दीजिए। DI फॉर डीजल कोड और XI फॉर पेट्रोल कोड, V हो गया मीडियम वर्जन, L फॉर लो वर्जन और Z फॉर टॉप वर्जन। तो VDI का मतलब हुआ मीडियम वर्जन ऑफ डीजल इंजन, ठीक है। तो डीजल इंजन गाड़ी का इंडिकेशन कैसे पहचानिएगा गाड़ी की, कौन गाड़ी डीजल इंजन है कौन गाड़ी पेट्रोल इंजन है, यही है इसका, यही इंडिकेशन कोड हो गया VDI। तो DI हो गया डीजल कोड, समझ लिए कि डीजल इंजन है। अब कहिएगा गाड़ी का जो है रेट, किस हिसाब से रेट का भी अनुमान लगाना होता है। सर ये मान लीजिए नहीं रहेगा तो कैसे पता करेंगे कि डीजल है पेट्रोल, ये अभी निकला हुआ है। तब कहीं पे देखिएगा, आइएगा, DDIS लिखा रहेगा, है ना, DDIS लिखा रहेगा। DDIS अगर बॉर्नेट को उठाते हैं, बॉर्नेट को उठाने के बाद जो DDIS लिखा रहता है उसका मतलब हुआ डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, है ना। डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम हो गया तब समझ लीजिए कि DI फॉर डीजल, समझ लेना है कि DDI इंजन है, है ना। पेट्रोल इंजन जब ऑल्टो आप लोग चलाते थे तो उसमें VXI लिखा हुआ देखे होंगे, है ना। तो VXI का मतलब हो गया मीडियम वर्जन ऑफ पेट्रोल इंजन, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हेडलाइट कौन सा है, बताइएगा जरा, हेडलाइट ये रहा। वाइपर कौन है, वाइपर ब्लेड है ये सर, भी ब्लेड रहा, वाइपर ब्लेड। अच्छा ये क्या है इसमें, ये वाइपर का पानी। इसे मान लीजिए कि हमारे पास समय नहीं है और चाहते हैं शीशा साफ करने के लिए, तो आज इसको यूज कर सकते हैं। साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज होता है, बॉडी लैंप में, बॉडी लैंप पूछ रहे हैं। बॉडी लैंप का मतलब वो अंदर जो बल्ब जलती है उसके बारे में पूछ रहे हैं सब। बॉडी लैंप वो नहीं पता है सर, प्लेन दर्पण बॉडी लैंप के बारे में। अच्छा बताइएगा कि जो बॉडी मिरर है उसमें कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब तलो दर्पण कहीं पे यूज होता है गाड़ी में, हेडलाइट नहीं सर, अवतल दर्पण यूज नहीं होता, हेडलाइट में अवतल दर्पण यूज होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज क्लियर हुआ आप लोगों का। फाइव सीटर कार है, फाइव सीटर कहने का क्या तात्पर्य हुआ, पांच आदमी ड्राइवर इंक्लूड करके पांच आदमी बैठेगा। अगर छह आदमी बैठ गया तो ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन के खिलाफ है ये और उसके लिए आपको फाइन किया जा सकता है। वो नेटवर्क के लिए रहता है, हाँ ये जो है ना इसको एरियल बोलते हैं। अभी अंदर गाड़ी के अंदर अगर आपको FM रेडियो सुननी है तो एरियल लगा हुआ, आप मोड चेंज कर दीजिए और आप इस गाड़ी को, सब गाड़ी रहती है, सभी गाड़ियों में रहती है, किसी में टूटी रहती है किसी में रहती है। ये नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर है, फाइव सीटर कहने का क्या तात्पर्य हुआ। गाड़ी DDIS है तो DDIS का क्या मतलब हुआ, VDI रहेगा, LDI रहेगा, ZDI रहेगा, तो इसका क्या मतलब होता है, क्लियर है। कितने सीसी की गाड़ी है ये, 1248 सीसी की। कितने सिलेंडर की गाड़ी है ये, 4 सिलेंडर। प्रति सिलेंडर वॉल्व्स की संख्या क्या, 4। टोटल नंबर ऑफ वॉल्व्स कितने हुए, 16। क्लियर है, अब बताइएगा किसमें सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन सिस्टम किस तरह का है, क्वाइल सिस्टम, क्वाइल सिस्टम सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन है। चलिए अगला ब्रेक किस टाइप का होता है इसमें, दोनों पिछला दोनों ब्रेक किस टाइप का होता है, ड्रम ब्रेक, नॉर्मल नहीं बोलेंगे, है ना। तो अब बताए हम कि सस्पेंशन सिस्टम है, आगे आपने भी बताया सस्पेंशन सिस्टम है, तो सस्पेंशन सिस्टम में ब्रेक लेने का क्या महत्व है, बस ब्रेक बड़ा आराम से लेना है। अगर हमेशा इमरजेंसी ब्रेक लेंगे तो सस्पेंशन जो है उसका कसा हुआ होता है, जो सस्पेंशन पूरा सिस्टम एक छोटे से नट से रहता है, वो अगर टूट गया तो फिर गाड़ी आपकी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, है ना, क्लियर है, जी सर, है ना। तो इसके बारे में जो बेसिक जानकारी थी आप लोगों को दे दी गई है,
सभी गाड़ियों के बारे में बेसिक जानकारी इसी तरह से दी जाएगी, जो गाड़ी यहाँ अवेलेबल है जितने के बारे में हमने बताया, नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग जीरोक्स करवा के रख सकते हैं। उसके बाद इंजन की जब बात की जाए तो दुनिया में कोई चीज का इंजन हो, इंजन सब चीज का एक समान ही होता है, है ना। तो गाड़ी उसका इंजन हो, स्कॉर्पियो का, स्विफ्ट का हो, या फिर इसका हो, या फिर उसका हो, हाइवा का हो, या फिर सुमो का हो, या फिर पंपिंग सेट का हो, या फिर बाइक का हो, इंजन दुनिया में कहीं भी जाइए सेम ही रहता है। जिस तरह आदमी के शरीर में हड्डी सेम है ना, ब्लड सेम है, संरचना सेम है, जिस तरह स्ट्रक्चर, उसी तरह इंजन सबके में सेम होता है। फर्क होता है, टूटी इंजन होता है टू स्ट्रोक और एक फोर स्ट्रोक इंजन होता है। इसके बारे में जब इंजन के पार्ट्स के बारे में पहले डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद इंजन के टाइप के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी इस गाड़ी के बारे में नॉलेज आप लोगों को और कुछ चाहिए, बेसिक नॉलेज जी? सिलेंडर का कार्य क्या है सर? मान लीजिए 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर में अंतर बताइए सर। बताया जाएगा अभी वीडियो।